तो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम देवरत्न अग्रवाल है, मैं इस टेलीकॉम से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS के अंदर, या अभी तक आप अगर पाकिस्तान में या UAE में कहीं पर भी हैं और आईफोन सीखना चाहते हैं और एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं ना, और बहुत बेसिक से, तो आप मेरा आईफोन 6 मास्टर कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने आईफोन 6 के ही रिलेटेड वीडियो डाले हैं और बहुत 100+ वीडियो हैं यार, और कितना ही कंटेंट है। आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपना नॉलेज हासिल कर सकते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें वीडियो डालना बंद नहीं करूँगा। मैं बाकी टीचर्स जैसा नहीं हूँ कि एक बार कोर्स बना दिया और वीडियो ख़त्म कर दिए। मैं उसमें वीडियो डालता जाऊँगा और आपको समय समय पर चीज़ें मिलती जाएंगी। अभी तो 100+ है, आप देख देख के थक जाओगे। और मेरा बहुत ही जल्द मैं आईफोन एक्स का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो अगर आपको मॉडल वाइज मास्टर बनना है और एक साथ बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के गिरना नहीं है और धीरे धीरे आप चाहते हो कि धीरे धीरे सीखना चाहते हो, तो वो कोर्स मेरा ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली आज मेरे पास दोस्तों एक फ़ोन है, आईफोन एट, और ये बेसिकली वाटर डैमेज सेट है और इसको पानी में गिराकर डेड किया गया है। और तो इस पर ऑलरेडी काम भी हुआ, क्योंकि सारे पत्रा सील सब कुछ उतरे हुए हैं, आप नोटिस कर सकते हो। तो मुझे इसको फ़िलहाल बनाना है, और आइए देखिए इसको डायग्नोस करते हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसकी बूटिंग क्या है। देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में डाली हैं, तो फिलहाल अगर आपको लेना है तो आप नीचे दिए नंबर पर जाके ले सकते हो। सबसे अच्छी बात, बहुत ही सस्ता है भाई, मैं 1 लाख रुपये नहीं ले रहा हूँ, मात्र 5,500 रुपये का कोर्स है। और बाकी टीचर ने कि 10 वीडियो डाल दिए, ख़त्म कर दिए, 100+ वीडियो। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो डाले हैं। सबसे पहले मैं आपको, आप देखिए यहाँ पर DC मशीन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा जो DC है वो अभी यहाँ पर मैंने सेट किया है। अब यहाँ पर मैं केबल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको केबल लगाऊंगा, इस पर नोटिस करना, एट, कोर्स में मैंने दोस्तों टूल की भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, सारे आपको नंबर्स भी दिए हैं। देखिए ये आईफोन 8, ये 8 का है, तो जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा तो आप डीसी का करंट देखना कि कितना ये ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें टच करता हूँ, नोटिस करो, ये देखो, तो ये हाई एम्पीयर ले रहा है और ये बेसिकली फुल शॉर्ट है। तो बट अगर हम इसको यहाँ पर अगर मल्टीमीटर से इसको चेक करें, तो अब हम देखें कि हम क्या पाते हैं यहाँ पर। तो हम देखिए मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, राइट। अब हम इसको डायोड मोड पर रखेंगे, ये देखिए डायोड मोड पर रखा हुआ है। अब हम चेक करेंगे डायोड मोड पर और देखेंगे कि एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है। तो जब हम मल्टीमीटर से कूल टेस्टिंग करते हैं और हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में इसमें VBAT शॉर्ट है या VDD, आईफोन 8 के बाद जो VCC है वो VDD बदल गया है, और आईफोन 8 के बाद एक और IC में ऐड हो गई VDD बूस्ट, चूँकि VDD बूस्ट सबसे इंपॉर्टेंट IC है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर ना 3 मेन आपके बेसिक करंट है, एक आपका है VBAT, एक VDD और एक VDD बूस्ट, जो कि पूरे फ़ोन को रोल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पर 428 मिल रहा है। अब मैं इसको रिवर्स करूँगा और मैं दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। नोटिस कीजिए, देखिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर, फिलहाल मैं फिर से दिखाता हूँ, तो पहले ब्लैक प्रोब लगाएंगे, 429, डेट मीन कि आपका जो VBAT है वो ओके है, तो VBAT में आपके कोई दिक्कत नहीं है। और जब रिवर्स करेंगे तो ये हमको मिलना चाहिए 1000 के ऊपर, सीधा सा सिंपल सा मैटर है। देखो यहाँ मिल रहा है 529, डेट मीन कि लीकेज तो है और BDD बूस्ट में ही है। तो हमारा BDD बूस्ट,
तो सबसे पहले दोस्तों हम नॉर्मल इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो भी आपको कुछ सिखाने लायक है और इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ बता सकता हूँ। चलिए आइए आईफोन 8 की आईसीओ की आइडेंटिफिकेशन करें, देखते हैं कि आपको कितना नॉलेज मिलता है। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको कोर्स में कितना फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आईफोन 8 में दो तरह के सीपीयू आते हैं। सीपीयू तो मेन है आपका जो इसमें आता है, बट इसमें ना दो सीपीयू आते हैं। आपको तो पता है आईफोन में दो तरह के सीपीयू आते हैं। एक आता है आपका जो हमारा A11 सीपीयू है, ओबवियस है 8 के बाद X तक, और दूसरा हमारा इसमें जो आता है BB सीपीयू। तो BB सीपीयू दो वर्ज़न में आते हैं और दो वर्ज़न के बोर्ड हम इसको बोलते हैं, एक इंटेल और एक क्वालकॉम। तो अगर यहाँ BB सीपीयू पर आपको क्वालकॉम लिखा नहीं है और MDM नहीं लिखा है, तो डैट मीन ये इंटेल का सीपीयू है। तो थोड़ा सा ये ICU की थोड़ी डिटेलिंग कर लें और देख लें कि कौन सी IC अभी यहाँ पर क्या रोल कर रही है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले आप ये जो IC यहाँ पर देख रहे हैं, ये IC दोस्तों ये है आपकी स्ट्रोब IC, जो आपकी फ्लैश LED और जो आपकी टॉर्च की IC होती है। इसके बाद जो IC आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी कैमरा LDO IC है। अभी बेसिकली पहले के फ़ोनों में क्या होता था, कैमरा के छोटे छोटे LDOs होते थे, अभी कैमरा LDO है। ये अब बहुत सारे अलग अलग कैमरे को यही वोल्टेज दे रही है, मतलब ये करो कि कैमरा का कोई खुद का पावर है। फिर इसके बाद में ये जो IC दिख रही है आपकी NFC IC है, और उसके बाद जो ये छोटी सी IC लगी NFC LDO IC है। यहाँ अगर हम आ जाएंगे, ये सब रे कॉइल्स हैं, ये आपके बक कॉइल्स हैं, ठीक है, लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ आ जाएंगे, ये जो IC आपको दिखाई दे रही है ये आपका इंडक्टर IC है, जिसको बैकलाइट और आपकी चार्जिंग ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली जो कॉइल्स होती है ना, जो आपकी जिसे हम बोलते हैं ना चार्जिंग कॉइल, बक और आपका जो बैकलाइट कॉइल है, वो कॉइल अलग से ना लगा के एक इंडक्टर IC बना दी है, ठीक है। बाकी ये सब आपके कनेक्टर्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो नीचे आ गए। अब थोड़ा आप देखिए तो हर जगह का इसमें ना पत्रा निकाला है, मतलब जितने भी टेक्नीशियन ने खोला है सिर्फ देखा है, किया कुछ भी नहीं है। तो नोटिस करो यहाँ पर आपको ये लाइट IC मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर IPS डिस्प्ले नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डायोड देखने को मिलेगा। नो, यहाँ पर LED डिस्प्ले नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको IPS वाला ही IC देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डिस्प्ले IC दिखाई देगी, ये आपकी लगी है वाइब्रेटर IC, ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो IC है ये आपकी टिग्रिस है चार्जिंग IC। इसके ऊपर आप बात करें तो आपकी हेडफोन और रिंगर एम्पलीफायर। इसके ऊपर बात करें, लंबी सी जो IC है ये आपका बेसिकली वायरलेस चार्जिंग IC है। और इसके ऊपर बात करें तो ये U2 आपकी, इसको 3-स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये ऑक्सिलरी RF प्रोसेसर, ये DSM स्विच, ये मेन RF प्रोसेसर, और ये आपका 2G GSM PA। सो बेसिकली और नेटवर्क सेक्शन के अलावा ये आपका NAND लगा हुआ है यहाँ पर, Toshiba का NAND लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखें तो ये आपका ट्रस्टेड का LDO लगा हुआ है। ये अभी इस ICU की बात करेंगे तो आपका PMU है, ये आपका BB PMU है। अगर यही क्वालकॉम का होता तो आपका PM लगा होता। फिर यहाँ पर ये आपकी क्विक चार्जिंग IC है, ये आपका एक सेंसर्स IC है बेसिकली, इसके अंदर सेंसर्स होते हैं और ग्रेविटी सेंसर्स लाइक। और अगर हम इस IC की बात करेंगे, ये ऑडियो IC है, ये VDD बूस्ट है, तो आपको तीसरा तरह का वोल्टेज बना के देती है, ठीक है। और ये ऑडियो ये बेसिकली आपके रिंग रिसीवर और स्पीकर IC है, और ये वाली IC ऑडियो IC है, ठीक है। और ये आपका वाईफाई है। तो आई होप कि आपने ICO की अच्छी डिटेलिंग ली होगी। अब हम बात करते हैं कि इसका जो VDD है वो बेसिकली, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप नोटिस कीजिए। अभी हम आ गए इसके डायग्राम पर, तो डायग्राम की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर VDD बूस्ट, इसमें बेसिकली जो कैपेसिटर्स हैं वो जनरली शॉर्ट हैं, और ये कैपेसिटर्स जो शॉर्ट हैं आपके, अभी मैंने इंटेल का ही खोला है, तो ये आपका VDD मेन, मतलब इसकी VDD मेन लाइन शॉर्ट है। अब आप नोटिस करो कि IC के इतने सारे पार्ट जहाँ जहाँ ये ग्रीन हो रहा है वो लाइन पूरी की पूरी शॉर्ट है, पर हमें अब यहीं पूरी शॉर्ट में ढूंढना है। तो अब थोड़ा सा आई डायग्नोस करेंगे, हम इस पर बहुत सारी मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम इस पर थर्मल कैमरा यूज़ कर सकते हैं, हम इस पर बेसिकली यूज़ कर सकते हैं रोजिंग, हम इस पर यूज़ कर सकते हैं आई डायग्नोस, तो बहुत सारी मेथड। तो हम फिलहाल आई डायग्नोस यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा कैपेसिटर बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। नोटिस करो तो
अब हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे, देखो तो बेसिकली ये जो कैपेसिटर्स हैं, और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा बजर मोड में, देखिए बेसिकली ये जो कैपेसिटर्स हैं ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये शॉर्ट है और ये पूरी वीडीडी लाइन है। तो थोड़ा सा आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। नोटिस कीजिए, आई डायग्नोस सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। डायरेक्ट वोल्टेज इंजेक्ट करने से अच्छा हम आई डायग्नोस को यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों हमको क्या यूज करना है, आपने शुरू से ही सुनते आए होंगे, देखते आए होंगे कि हमारे जब कैपेसिटर्स जल जाते हैं तो काले पड़ जाते हैं, बस आपको यही चीज देखना है। तो देखिए पहला तो ये कैपेसिटर यहाँ मिला, तो देखते हैं क्या ये लाइन शॉर्ट है क्या। तो इसको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, नहीं शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ये एक लो बक जीआर वैल्यू है, ये देखिए ये कैपेसिटर भी देख रहे हैं आप, ये कैपेसिटर का सेहरा भी एकदम चेंज हो गया है, ठीक है। ये लाइन शॉर्ट है, तो ये लाइन हमारी शॉर्ट है, तो हम इस कैपेसिटर पे भी जा सकते हैं। ये देखिए ये हमारा ऑडियो जो रिसीवर और रिंगर आईसी है, ये लाइन भी शॉर्ट है हमारी, मतलब लाइन तो शॉर्ट ही है, ये तो पूरी पड़ी है। कैपेसिटर पे भी हम जा सकते हैं, तो हमारा ध्यान अभी उन कैपेसिटर पे है जो काला पड़ गया। देखो एक कैपेसिटर यहाँ पे भी है, ठीक है, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखिए ये कैपेसिटर भी, जिन जिन कैपेसिटर को मैंने अभी देखा वो सारे कैपेसिटर देखो रेड है। थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट को देते हैं, ऑफलाइन कोर्स एंड्रॉयड में और ऑनलाइन कोर्स आईफोन में। एक और बात कहना चाहूँगा कि हम एंड्रॉयड को ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, तो प्लीज़ हमें मैसेज मत कीजिए, आप आइए। और अगर हम ये कोर्स देखो मैंने डिज़ाइन किया है, क्योंकि अगर आप आईसी निकालना जानते हैं और आप एंड्रॉयड पे सीपीयू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आईफोन का सर्किट समझना चाहिए, और वो सर्किट करने के बाद आप छोटी मोटी आईसी और सारे, मतलब छोटी क्या, सारी आईसी ही कर सकते हैं। बट अगर सीपीयू करने के लिए तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल अटेंड कीजिए किसी इंस्टीट्यूट में जाके। मेरा वो कोर्स दोस्तों सीपीयू का नहीं है, ध्यान देना, सीपीयू के कोर्स अलग होते हैं। मेरा कोर्स थ्योरिकल है, जिसमें मैं आपको पूरी थ्योरी समझाई है और उसके सोल्यूशन दिए हैं कि अगर चार्जिंग ना बने तो कैसे करना है, अगर वाईफाई में दिक्कत आ रही है तो कैसे बनाना है, नैंड कैसे, तो ये सारी चीज़ें हैं। डिस्प्ले लाइट 35 चैप्टर है अभी मेरे कोर्स में, 35 चैप्टर, कोई नहीं पढ़ाता इतना। तो अपन सबसे पहले वही मेथड यूज़ करते हैं, वो मेथड है सबसे पुरानी रोजिंग मेथड। तो
तो देखिए, हमने रोजिंग तो डाल दिया है, तो इसमें ध्यान रखना दो आईसी ऐसी हैं जो ब्लिंक हो सकती है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए, अब हम डीसी कनेक्ट करेंगे बी बैट के साथ। यहाँ हम कैपेसिटर यूज़ नहीं करें, डायरेक्ट वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पहले डीसी कनेक्ट करते हैं। बट हम डायरेक्ट वीडीडी पर भी हम टच कर सकते हैं, बट देखते हैं कि क्या वीसीसी करें, उससे वो कनेक्ट करने से आता है तो हम, नहीं तो फिर उसके बाद में डायरेक्ट कैपेसिटर पर टच करेंगे। वैसे हम डायरेक्ट कैपेसिटर पर ही टच कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, वो भी हम कर सकते हैं। तो हम उसके लिए एक ट्विजर यूज करेंगे। और हम, तो मुझे डाउट अभी इस सेक्शन में ज़्यादा लग रहा है, राइट? तो मैं इस सेक्शन को टच करता हूँ, इसमें से किसी भी एक कॉइल को। तो ये बड़ा सा कॉइल है, बड़ा सा कैपेसिटर है इधर। ओके, हम इसको टच करते हैं, राइट? चलो देखते हैं क्या होता है। तो एक सिरा हम यहाँ रखेंगे ग्राउंड के साथ और एक सिरा यहाँ पे टच करेंगे। देखा, मैंने बोला ही था, मेरे को डाउट तो था। नोटिस करो, ये देखो, ये कैपेसिटर दिखाई दे रहा है आपको? तो ये कैपेसिटर हमको लग रहा है यहाँ पे फॉल्टी, अब ये कैपेसिटर हमारा वीडीडी का है तो हमें इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इसको हीट से निकाल देते हैं। बट यही देखना है कि हमारा पीछे सीपीयू है।
तो हम अभी तो हम निकाल चुके हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्या ये फॉल्ट निकलता है या और भी हमें अब सर्च करना है। अगर शॉर्टिंग और भी हुई तो हमें वो सारे कैपेसिटर्स जो हमें लग रहे थे कि हट गए अपनी कलर से, चेंज कर दिया जिन्होंने अपना कलर, तो हम उन कैपेसिटर्स को अलग करेंगे। और दोस्तों बिलीव मी कि मैंने सर्किट को एनिमेशन के थ्रू समझाया है और मैंने मेन बहुत हद तक आपको डायरेक्ट सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो हटा है कि नहीं हटा है। ओके, हमारा शॉर्टिंग हट गया है, हम डायोड रीडिंग देखेंगे। हम चेक करेंगे कि अब ये क्या ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम इसको यहां लगा लेते हैं। और अभी ये बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर बिल्कुल बैटरी कम है और देखिए 0.60 ले लिया इसने और ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। और ठीक है, ये फ़ोन भी बहुत जल्दी अभी ऑन हो जाएगा। तो अभी हमने फ़िलहाल इस फ़ोन को एक VDD बूस्ट जो हमारा यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर के ऊपर आ गया ये फ़ोन हमारा। मैं इसको रख देता हूँ ताकि ये ऑन होता रहे। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको कोर्स करना है इसी तरह और सीखना है और घर बैठे आपको आईफोन के बारे में जानना है, तो ये बहुत एक अच्छा मौका है। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है और ये कोर्स इंस्टीट्यूट जैसा नहीं है। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूट में क्या होगा, अगर मान लो कि आप इंस्टीट्यूट गए और आपको ये बोला गया कि 6 से हम पढ़ाएंगे पूरे 14 प्रो तक, पर क्या आपको लगता है कि हर एक मॉडल का पूरे 35 जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाएंगे? नहीं, तो वो ऊपर की जो थ्योरी है वो आपको दी जाएगी। जो स्टूडेंट कोर्स को ख़रीदना चाह रहे हैं बट वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं, जो भी बाहर के स्टूडेंट है, UAE हो या पाकिस्तान हो, कहीं के भी हो, तो आप क्या करना, आप मेरी जो वीडियो है देवेंद्र अग्रवाल के चैनल पे आईफोन मास्टर का जो मैंने वीडियो डाला उसके नीचे ये लिंक है, या आपको व्हाट्सअप जब आप करेंगे हमारे नंबर पे तो आपको ये लिंक आ जाएगी। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का खुल जाएगा PCB में। आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है आपको और ORG कोड आप देख लो ये डालना है, और यहाँ पर है ना मोबाइल की जगह पर यहाँ पर ईमेल ID डालिए। तो ईमेल ID डाल के आप इसको रजिस्टर कीजिए और आपका जो OTP है वो ईमेल पर आएगा, राइट? तो आपको इस तरीके से ही आपको इसको लॉगिन करना है। जो भी बाहर के स्टूडेंट है जिनका +91 नहीं है और जो दूसरे +9 से यूज कर रहे हैं तो वो कंट्री वाले, तो उनके लिए मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं और कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।